चंद्रशेखर आजाद। आज राज द्विवेदी के घर पर बहुत हलचल थी। उसकी मां और दीदी नाश्ते के डब्बे भरकर रख रही थी और उसके पिताजी कपड़ों से भरा हुआ बैग बाहर रख रहे थे। राजू और पूरा द्विवेदी परिवार आज उत्तर भारत की यात्रा करने को निकला था। ए राजू, चल जल्दी। रेलगाड़ी छूटने के 10 मिनट पहले ही राजू और उसके परिवार वाले गाड़ी में चढ़ गए थे। राजू ने तुरंत खिड़की की सीट पकड़ ली थी, पर इस बार दीदी उससे नहीं लड़ी, क्योंकि उसे भी राजू के सामने वाली खिड़की की सीट मिल गई थी। गाड़ी शुरू हो गई और राजू ने अपनी बैग निकाली। बैग खोलने की जल्दी में पानी की बोतल तो गिर ही गई, कुछ पुस्तकें भी नीचे गिर गई। अरे ये क्या? ऐसा कहकर राजू के पिताजी नीचे झुके, उन्होंने तीनों चीजें उठाई। गली की यात्रा, सिकंदराबाद का सफर और दीनदयाल द्विवेदी इनकी डायरी। पिताजी ने कहा, अरे ये तो बड़े पिताजी की डायरी है। डायरी देखते हुए वे बच्चों से बोले, बच्चों ये दीनदयाल द्विवेदी मतलब मेरे दादाजी। भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने कई नेताओं को बहुत ही नजदीक से देखा था। इस डायरी में उन्होंने उस समय की कुछ यादें लिख रखी हैं। राजू की आंखें खुशी से चमक उठी, उसने डायरी पढ़ना शुरू किया।
कुछ दिनों से हमारे विद्यार्थी संगठन पर पुलिस की नजरें थी और कल लाठीमार भी हुआ था। प्रभात फेरी में हम सभी को पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया और वहां तिवारी को बहुत तकलीफ दी गई, पर उसने भी क्या जबरदस्त जवाब दिया था। सिर्फ मन में सोचने से ही वो घटना आंखों के सामने आती है। उस जवान के शरीर पर लकड़ी की छड़ी के वार हो रहे थे। पीठ खून से लथपथ हो गई थी, हर वार में खून की बूंदें उड़ रही थी और उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेज अधिकारी उसे कई सवाल पूछ रहे थे, बोल बोल तू कहां रहता है, वंदे मातरम, बोल तेरे साथ कौन लोग हैं, वंदे मातरम, बता बता तेरा नाम क्या है। आजाद। उस जवान लड़के के मुंह से ये शब्द सुनकर वो अंग्रेज अधिकारी चक्कर में पड़ गया। खून से सनी हाथों की वो लकड़ी की छड़ी उसने फेंक दी और एक पुलिस अफसर को कहा, छोड़ दो इसे, और थक कर अपनी कुर्सी में बैठ गया। थप 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 थप। जगदानी देवी रोटियां बना रही थी, चूल्हा जल रहा था, बीच बीच में वो ऊपर देख रही थी। पंडित तिवारी हाथ में डंडा लिए चहलकदमी कर रहे थे। कहां है तुम्हारे प्यारे चिरंजीव, इतनी रात हो गई है फिर भी उसका कोई पता नहीं, उसे आने तो दो, अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो ऐसे बोल ही रहे थे तभी चंद्रशेखर घर आया। सीताराम जी ने गुस्से में अपना डंडा ऊपर उठाया, कहां गए थे। चंद्रशेखर ने कहा, अंग्रेज पुलिस मेरे पीछे दौड़ रही थी, उनको चकमा देकर मैं घर लौटा हूं। मां पिताजी आश्चर्यचकित होकर अपने लड़के की तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, क्यों भला, तुमने जरूर कुछ ना कुछ बदमाशी की होगी, बोल क्या किया तूने। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ वंदे मातरम बोला। पर पिताजी वंदे मातरम का क्या मतलब है। उसके कंधों पर हाथ रखकर वो धीरे से नीचे बैठ गए और कहने लगे, बेटे वंदे मातरम का मतलब है माँ को वंदन, अपनी भारत माँ को वंदन। चंद्रशेखर ने पूछा, फिर माँ को वंदन करना ये गलत है क्या। नहीं शेखर, ये तो सबसे ज्यादा पूजनीय और मनुष्य का पहला कर्तव्य है। फिर वो पुलिस मुझे मारने क्यों आई थी। अपनी उंगली से जमीन की धूल में चित्र बनाते हुए सीताराम जी बोले, अब देखो बेटे ये तुम्हारा घर है और ये हम तीन, अगर कोई हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल देगा या फिर हम पर शासन करने की कोशिश करेगा तो ये तुम्हें चलेगा, नहीं ना। वैसे ही अंग्रेज अपने भारत देश के अंदर आकर हम पर राज कर रहे हैं, हमारा देश उनकी गुलामी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, अपने देश को इन अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाने के लिए देशभक्तों की ये घोषणा है, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। ओ, फिर पिताजी, मैं अपनी भारत माँ को स्वतंत्र करके रहूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ और पिताजी गर्व से अपने लड़के की ओर देखते रहे। ऐसे ही समय बीत गया। चंद्रशेखर अब 15 साल का हो गया था। पढ़ाई छोड़कर बनारस में बोझ उठाने का काम कर रहा था। उसी समय एक सज्जन ने उसे देखा। माथे पर तिलक और गले में जनेऊ पहना हुआ ये तेजस्वी नौजवान कौन है, ये जानने के लिए उन्होंने पूछताछ की। चंद्रशेखर बोला, मैं चंद्रशेखर तिवारी। इस पर उस भले आदमी ने कहा, नौजवान, तुम ये बोझा उठाने का काम करने की बजाय काशी की पाठशाला में पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? वहां तुम्हें काम भी मिलेगा और अन्न छत्र में खाने की भी सुविधा हो जाएगी। और इस प्रकार चंद्रशेखर काशी के संस्कृत पाठशाला में दाखिल हुआ। वहां मंत्रोच्चारण के पठन से और नियमित सूर्य नमस्कार जैसी शारीरिक कसरत के कारण चंद्रशेखर नाम का मिट्टी का गोला अच्छा आकार ले रहा था। पाठशाला के विद्यार्थी काशी में शुरू होने वाले असहकार आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। शाम को होने वाले चर्चा सत्र में ये छात्र शामिल होते थे। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये छात्र पत्रिका बनाने का काम करते थे। ऐसे ही एक शाम के चर्चा सत्र के समय पुलिस ने लाठीमार करके छात्रों को पकड़ लिया। और यही जन्म हुआ एक क्रांतिकारी का, जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। राजू नींद से जागा। रेलवे किसी स्टेशन पर रुकी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी और वहीं राजू को बोर्ड दिखा। काकोरी। अरे, ये शब्द तो मैंने कहीं पढ़ा है। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी, ये काकोरी शब्द कहां पढ़ा है, जरा बताइए ना। पिताजी ने हंसकर जवाब दिया, अरे परदादाजी की डायरी में काकोरी कांड की जगह मतलब यही तो है वो जगह। राजू ने फिर से डायरी खोली और पढ़ने लगा। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। अब शाम ढल गई थी। दूर गांव के इलेक्ट्रिक बल्ब मानो आकाश के तारे दिख रहे थे। ट्रेन के चक्के आवाज कर रहे थे। ऊपर आकाश स्वच्छ और सुंदर दिख रहा था। टिमटिम करते तारे मन बहला रहे थे। पर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गांव के बाहर का वो पुराना घर। अरे, ये क्या? खिड़की की फूटी हुई कांच से एक मोमबत्ती का प्रकाश भी आ रहा है और कुछ लोग भी दिख रहे हैं। उसमें से जो नेता बनकर बोल रहा है ना, वो ही चंद्रशेखर आजाद है। सदाशिवराव मलकापुरकर
सचिंद्रनाथ, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये सभी आजाद के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। सशस्त्र क्रांति के लिए पैसे कहां से लाए जाए, ये चर्चा का विषय था। अमीरों को लूटने की बजाय हम सरकार की तिजोरी, चंद्रशेखर बुलंद आवाज में बोले, भारत मां को जीवन समर्पित करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। जिसे इस विषय में थोड़ा भी शक हो वो अभी यहां से बाहर जाए, वही उत्तम होगा। सदाशिवराव हंसने लगे। आजाद बोल रहा है वो सही है, अगर सभी सहमत हैं तो योजना बनाने की शुरुआत की जाए। आजाद ने दोनों हाथ टेबल पर रखे। ये देखो, सरकारी पैसा रेलवे से जाता है। सहारनपुर के रेलवे लाइन पर काकोरी ये स्टेशन लखनऊ से 8 मील पर है, वहीं पर हम ये खजाना लूट लेंगे, ये ठीक लग रहा है। सदाशिवराव बोले, फिर तय हो गया, इस योजना के लिए सारी जानकारी मिलाने का काम शुरू करेंगे। और फिर उन्होंने सभी को काम बता दिए। और वो दिन आ गया जब इस काम को अंजाम देना था। अशफाकुल्ला खान, सचिंद्रनाथ गुप्त, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिरी, मुकुंदी लाल, मुरारी शर्मा, मनुनाथ गुप्त, रामप्रसाद बिस्मिल और इन सभी के आगे चंद्रशेखर आजाद, ऐसे सब लोग घर से बाहर निकले। नई पिस्तौल और कारतूस उन्होंने बड़ी ही खूबी से शर्ट के अंदर छुपाए थे। सावन का महीना होने के कारण सभी जगह हरियाली छाई थी, बीच बीच में रिमझिम बारिश भी हो रही थी। दूर तक दिख रही रेलवे की पटरियां चमक रही थी। काकोरी स्टेशन में यात्रियों की दौड़ भाग चल रही थी। सर पर टोकरियां लिए फेरी वाले घूम रहे थे। कुछ यात्री ट्रेन के इंतजार में नीचे ही बैठ गए थे। और इन्हीं के बीच में था हमारा वो क्रांतिकारी दल। जोर से सीटी बजाते हुए ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल दूसरे दर्जे के डब्बे में बैठ गए, बाकी के साथी तीसरे डब्बे में चढ़ गए। गाड़ी में स्टेशन छोड़ा। Thank you.
शाम होने लगी थी। और अचानक जोर जोर से आवाज करते हुए ट्रेन बीच में ही रुक गई। यात्री खिड़की से बाहर देखने लगे। पर गार्ड के डब्बे में कुछ अलग ही नाटक चल रहा था। गार्ड को जमीन पर गिराकर उसका मुंह बंद कर दिया गया था और अपने चार क्रांतिकारी उस पर पिस्तौल लगाकर खड़े थे। तब तक बाकियों ने तिजोरी कब्जे में कर ली। तिजोरी को हिलाना बहुत ही कठिन काम था। आखिर में उसे तोड़ देने का प्रयत्न शुरू हुआ। तिजोरी नहीं खुली। फिर आजाद और अशफाक ने हथौड़ी से मारकर तिजोरी तोड़ दी। पैसों की थैलियां अपने अपने धोती में लपेटकर सब लोग अंधेरे में ही भाग गए। यात्रियों को डराने के लिए उन्होंने हवा में बंदूकें चलाई। गोरे साहब ने घबराकर तुरंत खिड़कियां बंद कर दी। क्रांतिकारी घनी झाड़ियों में जाकर छुप गए। आजाद के चेहरे पर खुशी की हंसी आई। दूसरे दिन एक साधु को लोगों ने भजन गाते हुए जाते देखा। और वो था चंद्रशेखर आजाद। कुछ दिनों से दादाजी की तबीयत खराब थी। मुझे ही खेत खलिहानों पर ध्यान देना पड़ रहा था। उसके कारण कुछ दिनों से दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई थी। पर आज शिवा मिला था। वो पुलिस से छुप रहा है, पर इस विषय में कुछ ना ही लिखूं तो ठीक रहेगा। फरवरी का महीना। अल्फ्रेड पार्क में सुबह सुबह कुछ बुजुर्ग लोग चक्कर लगाने आए थे। हरी भरी घास पर नौजवानों के दल कसरत करके बैठे हुए थे। पेड़ पौधों को चैत्र महीने के आने की आहट हुई थी। इसी बगीचे के बीचों बीच उस घने पेड़ के नीचे वो चार लोग खड़े थे, यशपाल, सुरेंद्र, सुखदेव राज और चंद्रशेखर आजाद। आजाद ने यशपाल और सुरेंद्र को जाने को कहा और बोले, यशपाल, तुम सुरेंद्र के साथ जाकर सभी कार्यकर्ताओं को आज रात के चर्चा सत्र के बारे में बताओ। काम जल्दी खत्म करके हम सब यही मिलेंगे। फिर वो सुखदेव राज की तरफ मुड़े। उसने क्रांति संगठन के लिए बड़ी रकम की व्यवस्था की थी। पेड़ के छांव के नीचे एक छोटी सी बेंच पर वे बैठे और चर्चा की। चंद्रशेखर आजाद ने बताए हुए किस्से सुखदेव राज मन लगाकर सुन रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध, वो घोषणा युद्ध, लाला लाजपत राय की मृत्यु
काकोरी कांड और तिजोरी की लूट, जुल्मी सैंडस की हत्या, वॉइस रॉय पर असेंबली में किया गया हमला, सशस्त्र क्रांति के लिए पैसों का बंदोबस्त करने के लिए सरकारी बैंकों और तिजोरियों की लूट, ऐसा कई घटनाओं का उल्लेख चंद्रशेखर आजाद सुखदेव राज के सामने कर रहे थे। पर ये सभी बातें कोई और भी सुन रहा था। बेंच के पीछे वाले पौधों के बीच में एक नमक हराम ये सब सुन रहा था। आजाद को पकड़ने के लिए जो बड़ा इनाम रखा गया था, उसके लालच में इस स्वार्थी आदमी की आंखें चमक गई। वो वहां से धीरे से निकल गया। इधर आजाद को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने की अपनी योजना उन्होंने सुखदेव राज को बताई। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के लिए वो रशिया की मदद मांगने वाले थे, और इसीलिए यशपाल को रशिया भेजने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसी बीच अल्फ्रेड पार्क को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। सशस्त्र पुलिस की सरकारी गाड़ियां आ गई थी। पार्क में घूम रहे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। दोपहर की कड़ी धूप सर पर आ गई थी, पर आजाद को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्वतंत्र भारत का उनका सपना साकार होने वाला था, और उसी समय सुपरिटेंडेंट नार बाबर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, तुम ही हो ना चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत ये सब समझ लिया और उनके हाथ अपनी जेब के अंदर गए। पल में उन्होंने पिस्तौल निकाली। ठोक! ऐसी आवाज करते हुए उन्होंने नार बाबर का हाथ जख्मी किया। एक हाथ से सुखदेव राज को भाग जाने का इशारा करते हुए आजाद उस बड़े पेड़ के नीचे छुप गए। उस समय तक पुलिस की गोलियों से वो जख्मी हुए थे। उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। इंस्पेक्टर विश्वेश्वर एक पेड़ से झांक कर अंदाजा ले रहा था। आजाद की गोली से उसका सर फूट गया, पर तब तक अपना ये भीमकाय क्रांतिकारी थक गया था।
बहुत खून बहने के कारण वे कमजोर हो गए थे, पर हिम्मत नहीं हारी थी। पर ये क्या? पिस्तौल की सभी गोलियां खत्म हो गई थी, सिर्फ एक ही गोली बाकी थी, जो गोली आजाद हमेशा अपने पास रखा करते थे। उन्होंने निश्चय किया था कि जब भी मौत हो तो वो अंग्रेजों की गोलियों से नहीं बल्कि इसी गोली से ही हो। जिंदा रहा तो आजाद और मर गया तो भी आजाद। आंखों के सामने मां की प्यारी सूरत नजर आने लगी। बेटा, भारत मां तेरी माता ही है, उसके लिए ही तेरा जीवन समर्पित हो, लेकिन अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगना। तू आजाद है, आजाद ही रह। मां को मन ही मन प्रणाम करके चंद्रशेखर आजाद ने वो एक गोली अपनी मोंजर पिस्तौल में डाली। पिस्तौल उठाई, अपने माथे पर रखी और ट्रिगर दबाकर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भरी धूप में हवा के झोंकों ने पीली लाल पंखुड़ियों से उनके निष्प्राण देह पर वर्षा की। अंग्रेज अधिकारियों ने निश्चय किया कि आजाद का शरीर कुत्ते भेड़ियों को खिलाया जाए, पर कमला नेहरू, पुरुषोत्तम टंडन आदि नेताओं के बोलने पर वो पवित्र देह हिंदुस्तानी जनता को सौंपा गया। गंगा के किनारे आजाद का अग्नि संस्कार किया गया। आज आजाद इस दुनिया में नहीं है, अल्फ्रेड पार्क का वो विशाल पेड़ भी नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने वो पेड़ भी जला दिया। पर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद सभी भारतीयों के मन में अमर है। डायरी लिखने की इच्छा ही खत्म हो गई है। कुछ दिन पहले ही वो खबर पढ़ी। अल्फ्रेड पार्क से गुजर रहा था तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज पार्क में छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आंसुओं से भरी आंखों से राजू ने वो डायरी बंद की। पिताजी ने उसे गले लगाया और अपने ही ख्यालों में खुद से बातें करने लगे। और उसके बाद दादाजी ने कभी डायरी नहीं लिखी। हम आज जिस स्वतंत्र भारत में रहते हैं, वो देश ऐसे देशभक्त नौजवानों के बलिदानों पर खड़ा है। उनके आत्मसमर्पण का बहुत बड़ा कर्ज जो हमारे सर पर है, वो हम कभी नहीं चुका सकते। ये हमें याद रखना चाहिए और अपने देश के अभिमान को कलंक लगे ऐसा दुर्व्यवहार हमसे कभी नहीं होना चाहिए। जय हिंद।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे मातरम, वंदे